साथियों नमस्कार, मैं सुमेर चौधरी एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस लाइब्रेरियन गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वित्तीय आकलन की कुछ विधियां, और इन विधियों के तहत हम तीन प्रकार की विधियां आज तैयार करेंगे। तीन प्रकार की विधियां कौन कौन सी है, सबसे पहले हम प्रति व्यक्ति विधि की बात करेंगे, उसके बाद आनुपातिक विधि की बात करेंगे, और लास्ट में हम विस्तारित विधि पर चर्चा करेंगे। विस्तारित विधि के ही दो प्रकार आपके आवर्ती व्यय और अनावर्ती व्यय है, जिसके लिए आप में से बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर अभी तक यह टॉपिक नहीं हुआ। टॉपिक क्रम से ही होंगे बेटा, भले ही आप कितने भी मैसेज करें, कितना भी कुछ कहें, लेकिन मैं चीजों को क्रमबद्ध तरीके से ही करवाने वाला हूं, क्योंकि वैसे देखा जाए तो यह टॉपिक बजट के साथ में ही पढ़ा जाता है। आप इसे पहले या फिर बाद में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि चीजें अगर हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे तो ही अपने दिमाग में वो चीज अच्छे से सेव हो पाएगी। जब सवाल आपकी परीक्षा में आएगा तो फिर आप आसानी से उसका जवाब भी दे पाएंगे। ऐसा नहीं है वो कहते हैं ना, बोले गादरा की तावड़सू बोर कुनपक क्या करे है, तो चीजें टाइम पे ही आएंगी। जहां आवश्यकता है मुझे, जो टॉपिक जहां करवाना चाहिए मैं वहीं करवाऊंगा, भले ही आप कितना भी कुछ कहे, क्योंकि हमें अनुभव है, नॉलेज है कि कौन सा पार्ट कहां करवाना चाहिए, तो हम उसे वहीं करवाएंगे, और करवाने के बाद फिर उसमें कोई समस्या आपको नहीं रहने वाली है। तो चलिएगा करते हैं प्रारंभ आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को बिना आपका समय व्यर्थ किए। देखिएगा भाई, मेथड एंड टेक्निक्स हम देखने वाले हैं किसके भाई, फाइनेंशियल एस्टिमेशन के, अर्थात वित्तीय आकलन की विधियों की बात करेंगे, और कुछ टेक्निक्स की बात हम इस क्लास में आज करने वाले हैं। और मुख्य रूप से इसके तहत हम तीन प्रकार की विधियां पढ़ेंगे। तीन प्रकार की विधियों में पहली विधि आपके सामने है भाई, कौन सी है भाई, पर कैपिटा मेथड, जिसे आप कहते हैं प्रति व्यक्ति विधि। प्रति व्यक्ति विधि से आशय क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर सीधा सीधा समझ लीजिए, कल भी मैंने इसका एक उदाहरण दिया था। बहुत से विद्वान कमेटियों के माध्यम से कहेंगे, कोई तो कहेगा कि प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति के हिसाब से बजट दिया जाएगा, कोई कहेगा कि विद्यार्थी को प्रति विद्यार्थी 20 रुपए, कोई कहेगा प्रति विद्यार्थी 30 रुपए, कोई कहेगा प्रति विद्यार्थी 15 रुपए, कोई कहेगा कि प्रति शिक्षक 200 रुपए, कोई कहेगा प्रति शिक्षक 300 रुपए। तो प्रत्येक के हिसाब से बजट दिया जाता है, उसी को हम प्रति व्यक्ति विधि कहते हैं। किस किस ने क्या क्या सिफारिशें करी थी, उन सब सिफारिशों की हम बातें इस प्रति व्यक्ति विधि में करने वाले हैं। देखिएगा भाई क्या है, पहले थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। इस प्रति व्यक्ति विधि में प्रति व्यक्ति एक न्यूनतम राशि निर्धारित की जाती है, जो भविष्य में पुस्तकालय की आवश्यकताओं के विस्तार, पठन सामग्री की औसत लागत आदि को ध्यान में रखते हुए मानक पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक मानी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से सवाल आपके पूछे जाएंगे जब मैं नीचे कमेटियां कराऊंगा कि किस कमेटी ने क्या सिफारिश दी थी, वहां से सवाल पूछे जाते हैं। यह विधि वहां उपयोगी होती है जहां व्यय की राशि के आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं, कि कितनी राशि व्यय की गई थी उसके आंकड़े अपने पास अवेलेबल नहीं होते, तो फिर हम इस विधि का उपयोग करते हैं। देखिएगा कौन से कमीशन ने, किस व्यक्ति ने क्या सिफारिशें की हैं कि प्रति व्यक्ति कितना बजट दिया जाना चाहिए, तो इनकी हम बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की बात करते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो 1948-49 में आता है,
48 में आता है, 49 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा देता है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम राधा कृष्णन आयोग भी है, इसे राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी पहचाना जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन कौन थे? राधा कृष्णन थे, एस राधा कृष्णन थे। इन्होंने क्या सजेशन दिया वो समझिएगा। इन्होंने कहा कि 40 रुपए प्रति स्टूडेंट के हिसाब से पुस्तकालय को बजट दिया जाना चाहिए, अनुदान दिया जाना चाहिए। 40 रुपए प्रति छात्र के हिसाब से बजट दिया जाना चाहिए, यह बात करी है किसने? एस राधा कृष्णन ने। जितने विद्यार्थी हैं उनको 40 से गुणा कर लीजिए और उतना बजट आप लाइब्रेरीज को दे दीजिए, तो प्रति व्यक्ति, यह हो गया ना पर स्टूडेंट, पर स्टूडेंट के हिसाब से बजट देने की बात किसने करी थी? राधा कृष्ण आयोग ने या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 ने। उसके अलावा इन्होंने और क्या सजेशन दिया वो भी देखिएगा। संग्रह को मजबूत करने के लिए, संग्रह को मजबूत करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार नॉन रिक्वायरिंग ग्रांट भी दिया जाना चाहिए। नॉन रिक्वायरिंग ग्रांट अर्थात गैर आवर्ती अनुदान। गैर आवर्ती और एक पढ़ेंगे हम आवर्ती, दो चीजें होती हैं, आवर्ती अनुदान और गैर आवर्ती अनुदान। आवर्ती व्यय और गैर आवर्ती व्यय पढ़ते हैं हम। गैर आवर्ती से क्या आशय है, नॉन रिक्वायरिंग ग्रांट से क्या आशय है? देखिएगा, एक तो इस प्रकार का ग्रांट होता है कि वो प्रतिवर्ष हमें चाहिए, या इस प्रकार के व्यय होते हैं जो हर साल किए जाते हैं, जिसमें डेली रूटीन के खर्चे शामिल किए जाते हैं हर साल। जैसे मैं कहूं कि जो पुस्तकालय का स्टाफ है उसे पैसे देने हैं, उसकी उनकी सैलरी देनी है, तो फिर वो किस में आएगा? वो आएगा आपका रिक्वायरिंग में, क्योंकि वो हर महीने दिया जाएगा, हर साल दिया जाएगा, वो रिक्वायरिंग में आएगा। नॉन रिक्वायरिंग में वो चीजें शामिल होंगी जो 5-4 वर्षों में एक बार खर्चा करी जाती हो, 5-4 साल में एक बार दिया जाने वाला ग्रांट, ग्रांट की बात होगी तब तो 5-4 साल में एक बार दिया जाने वाला ग्रांट। और जब बात होगी एक्सपेंडिचर की, नॉन रिक्वायरिंग एक्सपेंडिचर, तो उसका मतलब है 5-4 साल में एक बार होने वाला खर्चा, व्यय, समझ गए? 5-4 साल में एक बार, जैसे लाइब्रेरी में कोई बिल्डिंग का निर्माण करवाना है, पुस्तकालय का कोई नया कमरा बनवाना है, तो वो हर साल तो हम बनवाते नहीं है, 5-4 सालों में एक बार बनवाते हैं। लाइब्रेरी में कोई मशीनरी लेकर आनी है तो वो हम हर साल नहीं लाते, कभी कभी कोई लेके आते हैं। लाइब्रेरी में फर्नीचर और बनवाना है तो वो भी हम हर साल नहीं बनवाते हैं, वो भी हम 5-4 सालों में एक बार बनवाते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी ग्रांट हैं, इन सब के लिए जितने भी अनुदान दिए जाते हैं वो आपके नॉन रिक्वायरिंग ग्रांट में आते हैं। रिक्वायरिंग ग्रांट में जो हर साल दिए जाते हैं, सैलरी हो गई, पुस्तकें खरीदनी है वो हर साल खरीदनी होती है, पीरियोडिकल्स के खर्चे हैं, लाइट का खर्चा है, पानी का खर्चा है, तो वो सब के सब किस में आएंगे भाई? रिक्वायरिंग में आने वाले हैं, समझिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो नॉन रिक्वायरिंग ग्रांट के लिए भी इन्होंने कहा कि प्रत्येक 5 साल में कम से कम एक बार तो दिया जाना चाहिए। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं भाई। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की जो 1948 में आया था, मुख्य सिफारिश थी कि 40 रुपए प्रति विद्यार्थी के हिसाब से दिया जाना चाहिए और नॉन रिक्वायरिंग ग्रांट भी 5 साल में कम से कम एक बार को दिया जाना चाहिए, यह इनकी मुख्य सिफारिश थी। उसके बाद बात करते हैं दूसरी कमेटी की। दूसरी कमेटी है यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी, यूजीसी समिति के रूप में जिसे आप पहचानते हैं, आती है 1957 में
और इसके चेयरमैन थे एस आर रंगनाथन साहब। इन्होंने क्या सिफारिश दी है, क्या कहा है, वो भी आप समझिएगा। सवाल तो यहीं से आते हैं भैया। इन्होंने कहा कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी में या प्रत्येक यूनिवर्सिटी अपने पुस्तकालय के रीडिंग मटेरियल के लिए, जो यूनिवर्सिटी है उसकी लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी की पाठ्य सामग्री के लिए 15 रुपए प्रति स्टूडेंट के हिसाब से बजट दिया जाना चाहिए और 200 रुपए प्रति टीचर के हिसाब से बजट प्रोवाइड करवाना चाहिए। इतने रुपए लाइब्रेरी को दिए जाने चाहिए। आपकी यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे हैं उनको गुणा कर दीजिए 15 से, आपके यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोफेसर हैं उनको गुणा कर दीजिए 200 से और दोनों को जोड़कर जितना बजट बनता है वो लाइब्रेरीज को दे दीजिए, यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय को दे दीजिए। ये बात कही है। उसके बाद हम बात करते हैं कोठारी आयोग की, और कोठारी आयोग आपका आता है 64 में, रिपोर्ट सबमिट करवा देता है 66 में। कोठारी आयोग के चेयरमैन थे डीएस कोठारी, दौलत सिंह कोठारी जिसे आप कहते हैं। इन्होंने क्या अनुशंसाएं दी हैं, क्या सजेशन दिया है, वो भी समझिएगा। इन्होंने कहा कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी अपने पुस्तकालय को 25 रुपए प्रति स्टूडेंट दे। कितना दे भाई? 25 रुपए एक छात्र के हिसाब से, जितने छात्र हैं गुणा कर लीजिए 25 से, और 300 रुपए प्रति टीचर दिया जाना चाहिए। जितने भी प्रोफेसर हैं 300 से गुणा करिए, जितने विद्यार्थी हैं उसको 25 से गुणा करिए, दोनों को जोड़ करके जितना बजट बनता है वो पुस्तकालयों को दिया जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी पुस्तकालय की चर्चा ये कर रहा है। बढ़ते हैं इसके बाद और भी आगे और बात करते हैं एस आर रंगनाथन की। इन्होंने भी 1965 में फिर से कुछ सिफारिशें दी हैं। वो सिफारिशें क्या दी वो देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है भाई, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। देखिएगा, अलग अलग प्रकार से इन्होंने दी है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उनके लिए तो इन्होंने अलग सिफारिश दी। क्या कहा? बोले 20 रुपए पर स्टूडेंट के हिसाब से, क्योंकि हम प्रति व्यक्ति विधि पढ़ रहे हैं तो ये सब प्रति व्यक्ति ही है, पर स्टूडेंट यानी एक व्यक्ति है, पर टीचर यानी कि एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति के हिसाब से बजट जिन्होंने दिया है उन सब की बात हम कर रहे हैं क्योंकि हम प्रति व्यक्ति विधि पढ़ रहे हैं। तो 20 रुपए पर स्टूडेंट के हिसाब से और 300 रुपए पर टीचर के हिसाब से यूनिवर्सिटी और कॉलेज की लाइब्रेरी को दिया जाना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बात करी कि मान लीजिए अगर स्कूल की लाइब्रेरी है तो कैसे दे बजट। तो फिर इन्होंने कहा कि 10 रुपए पर स्टूडेंट के हिसाब से दिए जाने चाहिए। जितने भी आपकी स्कूल में बच्चे हैं उसे गुणा कर लीजिए आप 10 से और हर साल वो बजट आपकी स्कूल की लाइब्रेरी को दिया जाना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बात करी पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए, जो सार्वजनिक पुस्तकालय हैं उनके लिए। उनके लिए कहा कि जितने भी बच्चे हैं उसे लाइब्रेरी में, जितने एडमिशन है, जितनी स्ट्रेंथ अभी है, उसे गुणा कर लीजिए 50 से और वो बजट सार्वजनिक पुस्तकालयों को दिया जाना चाहिए प्रति वर्ष। तो ये सिफारिशें रंगनाथन साहब ने दी हैं। और अब हम बात करते हैं दूसरी विधि की। दूसरी विधि की बात करते हैं, प्रोपोर्शनल मेथड अर्थात आनुपातिक विधि की बात करते हैं। आनुपातिक विधि का आशय आप समझ लीजिएगा कि परसेंट के आधार पर बजट दिया जाए। किसी ने कहा 6% दीजिए, किसी ने कहा 6.5% दीजिए, किसी ने कहा 10% दीजिए। तो परसेंट के आधार पर जब बजट दिया जाता है इसका मतलब बात हो रही है आपकी आनुपातिक विधि की। अब किस किस ने परसेंट के आधार पर बताया है उन सब की चर्चा भी हम इसमें करने वाले हैं। देखिएगा भाई, इसमें वित्तीय अनुमान मनमाने सिद्धांत पर आधारित होता है। इस पद्धति में कुल बजट का एक निश्चित न्यूनतम भाग या प्रतिशत उसके वार्षिक व्यय के लिए निर्धारित किया जाता है। देखिएगा, सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे उसी आपके यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की।
दोनों प्रकार से दिया है इन्होंने, प्रति व्यक्ति के हिसाब से भी सिफारिशें दी हैं, और बोले प्रति व्यक्ति के हिसाब से नहीं करते हो तो अनुपातिक विधि भी इन्होंने बताई है, दोनों में से आप जो चाहो उसका यूज कर सकते हो बोले। तो अभी हमने प्रति व्यक्ति की तो बात कर ली थी, अब हम बात कर लेते हैं आनुपातिक के आधार पर। मैंने बताया ही था कि राधा कृष्ण कमीशन भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसके चेयरमैन एस राधा कृष्णन थे। देखिएगा साथियों, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी बजट का 6.5 से 10% पुस्तकालय हेतु दिया जाना चाहिए। प्रति व्यक्ति बात नहीं करी इन्होंने, सीधा परसेंट में बात करी है। अब कई बार मैंने ऐसा सवाल भी देखा है कि ऑप्शन में 6.5 से 10% नहीं आता, कुछ यूनिवर्सिटीज 6.25 भी बता रही है। तो मैंने दोनों चीज डाल दी है ओब्लिक डाल के, कोई भी क्या पता सवाल ऐसा आपके सामने आ जाए कि 6.25 आ जाए, इनमें से ऑप्शन में ही ना मिले। तो मैंने दोनों चीज डाल दी है क्योंकि कुछ जगह कुछ यूनिवर्सिटीज की जो बुक्स है वो 6.25 बता रही है, कुछ यूनिवर्सिटीज की बुक्स में 6.5 से 10% बता रखा है। दोनों चीजें हैं, और दोनों चीजें हैं इसलिए मैंने ये दोनों डाल दी है, क्योंकि अगर मैं 6.5 से 10% बताऊंगा तो वो लोग मैसेज करेंगे जिन्होंने किसी बुक में, और वो भी ऑथेंटिक बुक है भाई, ऐसा नहीं है कि ऑथेंटिक नहीं है, याचिका लग सकती है। तो ऑप्शन में दोनों एक साथ नहीं आते फिर कभी भी, तो वो बच्चे कहेंगे बोले सर 6.25 दे रखा है, 6.25 अकेला बताऊंगा तो फिर ये बच्चे कहेंगे बोले गुरु जी गलत पढ़ा रहे हो, क्योंकि उन्होंने सारी किताबें देखी नहीं है। हमने सारी किताबें देखी है, बहुत सी किताबें देखी है, इसलिए ये सब चीज निकल के हमारे सामने आती है, और जो चीज सामने आ जाती है मैं आपको आवश्यक रूप से वो बताता हूं। तो ये नोट डाउन कर लेना ओब्लिक लगा के भाई। उसके बाद बात करते हैं ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस की, जो 1968 में आयोजित हुई थी, उसमें क्या सिफारिश दी गई। इसमें कहा गया कि कुल बजट का 6 से 10% पुस्तकालयों को दिया जाना चाहिए। जो भी संस्था का बजट है उसमें से 6 से लेकर 10% लाइब्रेरीज को दिया जाना चाहिए। एस आर रंगनाथन साहब ने भी परसेंट के आधार पर बताया पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए, कहा कि 6 से 10% के मध्य बजट दिया जाना चाहिए सार्वजनिक पुस्तकालयों को। उसके बाद हम बात करते हैं मेथड ऑफ डिटेल्स की, अर्थात विस्तारित विधि की बात करते हैं, और विस्तारित विधि में हम पढ़ेंगे दो प्रकार, आवर्ती एक्सपेंडिचर जिसे आप कहते हैं रिक्वायरिंग एक्सपेंडिचर, और एक पढ़ेंगे इसमें नॉन रिक्वायरिंग एक्सपेंडिचर, आवर्ती और गैर आवर्ती व्यय की चर्चा हम इसमें करेंगे। एक बार देखिएगा थोड़ा सा, इस पद्धति में वित्तीय अनुमान तैयार करते समय पुस्तकालय के व्यय की सभी मदों के आधार पर कुल वार्षिक व्यय का अनुमान लगाया जाता है। पुस्तकालय में दो प्रकार के वित्तीय व्यय होते हैं, दो प्रकार के खर्चे होते हैं लाइब्रेरी में। दो प्रकार के खर्चे कौन से हैं समझिएगा, एक तो होता है रिक्वायरिंग एक्सपेंडिचर, अर्थात आपका आवर्ती व्यय, रिक्वायरिंग को करंट एक्सपेंडिचर के नाम से भी जानते हैं। करंट को हिंदी में कई बार वर्तमान व्यय लिख करके दे देता है, और कई बार सामयिक व्यय लिख करके दे देता है, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, इंग्लिश में देख लेना रिक्वायरिंग या करंट एक्सपेंडिचर। दूसरा है नॉन रिक्वायरिंग एक्सपेंडिचर, अर्थात गैर आवर्ती व्यय। दोनों को हम पढ़ते हैं, दोनों में क्या क्या शामिल है। सबसे पहले चर्चा करते हैं रिक्वायरिंग की या करंट एक्सपेंडिचर की, अर्थात आवर्ती की या सामयिक व्यय की। देखिएगा आवर्ती व्यय क्या है, ऐसा व्यय जो हर साल दोहराया जाता है, हर साल रिपीट होता है। ऐसा नहीं है कि इस साल हो गया तो अगले साल वो खर्चा नहीं होगा, या अगले साल हो गया तो उससे अगले साल वो खर्चा नहीं होगा। ऐसे व्यय जो हर साल होंगे फिक्स हैं। भाई जो टीचर हैं वो पूरी साल बजट लेंगे, पूरी साल सैलरी लेंगे, जो पाठ्य सामग्री हम खरीदेंगे, किताबें हम लेके आते हैं तो वो भी लानी है, जो पीरियोडिकल्स है वो हर साल आएंगे। तो ऐसे व्यय जो हर साल रिपीट होते हैं, जैसे
कर्मचारियों का वेतन बिल्कुल हर साल लगेगा, ऐसा थोड़ी है कि कर्मचारी एक साल वेतन ले लेंगे अगले साल नहीं लेंगे, लेंगे भाई वो तो। पाठ्य सामग्री खरीदना, यह भी हर साल हमें खरीदनी होगी। बिजली का खर्च, ऐसा थोड़ी है कि इस साल बिजली का खर्च होगा तो अगले साल सरकार पेमेंट नहीं लेगी या पैसे नहीं लेगी। टेलीफोन का खर्च और इसके अलावा कुछ आकस्मिक खर्चे, आकस्मिक खर्चे होते हैं, पता ही नहीं चलता कब आवश्यकता पड़ जाए, तो ऐसे खर्चे भी इसी में शामिल किए जाएंगे भाई, रिक्वायरिंग के तहत ही शामिल किए जाते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे पूछता है कि निम्न में से रिक्वायरिंग एक्सपेंडिचर कौन सा है, तो पहचान जाइएगा, इनमें से कोई भी ऑप्शन में मिले तो टिक कर देना भाई। उसके बाद बात करते हैं नॉन रिक्वायरिंग की या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर की, अर्थात अनावर्ती या पूंजीगत व्यय। अनावर्ती व्यय कह सकते हैं और इसे पूंजीगत व्यय भी हम कह सकते हैं। क्या है भाई अनावर्ती? ऐसे व्यय जो प्रतिवर्ष बार बार नहीं होते हैं, सीधे शब्दों में समझिएगा, पांच चार साल में एक बार होने वाले व्यय इसमें शामिल किए जाते हैं। अब पांच चार साल में एक बार कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कोई बिल्डिंग का निर्माण करना है, लाइब्रेरी की बिल्डिंग, कोई नया कमरा बनना है, तो हर साल तो हम कमरे बना नहीं सकते या लाइब्रेरी की बिल्डिंग पे हम खर्चा कर नहीं सकते। कोई इक्विपमेंट्स खरीदने हैं आपको, उपकरण खरीदने हैं, जैसे RFID टेक्नोलॉजी आपको लगानी है लाइब्रेरी में, तो ऐसा थोड़ी है कि वो मशीन आप हर साल ही खरीदेंगे, पांच चार सालों में एक बार खरीदी जाती है मशीनरी। तो उसके बाद आपकी इक्विपमेंट्स हो गए, मशीनरी हो गई, कोई भी मशीनरी वगैरह का यूज आप लाइब्रेरी में करते हैं तो वो भी हर साल नहीं खरीदी जाती है, पांच चार सालों में एक बार खरीदी जाती है। तो जो खर्चे पांच चार साल में एक बार होते हैं वो सब के सब आपके नॉन रिक्वायरिंग एक्सपेंडिचर में आएंगे, गैर आवर्ती व्यय में शामिल होंगे। तो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपको पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल ही यहां से पूछे जाते हैं बेटा जी, तो इनको थोड़ा सा आप दिमाग में रख लीजिएगा। इसके बाद का जो पार्ट है वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं कि जो चीज आज पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होंगी, और अगर चीजें समझ में आती है तो प्लीज आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर कोई साथी नया है जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जो है आप ऑन कर लीजिए ताकि क्लास जब भी अपलोड हो आपको तुरंत इसका मैसेज मिल जाए और आपकी क्लास मिस ना हो। परीक्षा बहुत नजदीक आ रही है, अब बिल्कुल तन मन के साथ जुट जाइए, इधर उधर के जो भी काम है एक बार आप उन्हें स्किप कर दीजिए, क्योंकि ऐसे मौके जीवन में बार बार आते नहीं है, जिंदगी हमें ऐसे मौके बार बार देती नहीं है। एग्जाम के बाद हम जो भी कार्य शेष हैं वो कर लेंगे, एक बार सिलेक्शन हो जाए, मम्मी पापा का सपना पूरा हो जाए, उसके बाद हम ये सब कार्य करने वाले हैं। तो चलिएगा, मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।